बेटा हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस के हम पढ़ रहे थे। तो उस जनरल सॉल्यूशंस के अंदर हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे। यदि साइन एक्स की वैल्यू साइन वाई होती है तो रिजल्ट क्या होता है। यदि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई होता है। कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई देन एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई और टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई होता है तो जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ये तीन फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे, इनके ऊपर हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ आपका कोस टू एक्स इज इक्वल टू कोस थ्री एक्स, कोस टू एक्स इज इक्वल टू कोस थ्री एक्स। तो सीधा सीधा फॉर्मूला नंबर सेकंड लग गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, तो रिजल्ट लग गया कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई देन एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वाई की वैल्यू है थ्री एक्स। हमें यहाँ एक्स फाइंड आउट करना है बेटा। इस टर्म को आप लेफ्ट साइड ले जाओ तो टू एक्स लेफ्ट साइड जाएगी तो हो जाएगा माइनस प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू टू एन एक्स। अब यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लो तो ये आपके पास बचेगा टू प्लस माइनस कहो या माइनस प्लस कहो थ्री इज इक्वल टू टू एन एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा टू एन एक्स सॉरी टू एन पाई, क्या आएगी टू एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा टू प्लस माइनस थ्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है आपका कोस एम एक्स इज इक्वल टू साइन एम एक्स। सेकंड पार्ट है बेटा आपका कोस एम एक्स इज इक्वल टू साइन एम एक्स। ठीक है, देखिए बेटा यहां हो सकता है किसी क्वेश्चन का आपका आंसर मैच नहीं करे। आंसर मैच क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि यहां हो सकता है कि मैं इस कोस को साइन में बदल लूं तो मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। हो सकता है उस बुक वाले ने इस साइन को कोस में चेंज कर रखा हो तो वहां वो फॉर्मूला अप्लाई करेगा कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। तो इस एक्सरसाइज में आपको ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है बेटा कि हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आपके आंसर मैच नहीं होंगे। यदि यहां मैं इस कोस को साइन में चेंज कर लूंगा तो पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, और यदि इस साइन को मैं कोस में चेंज कर लूंगा तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा मेरा। देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने इसको लिखा कोस एम एक्स और मैं इस साइन को कोस में चेंज कर देता हूं। मैंने इसको लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा एम एक्स, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा हमें पता है ये किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन थीटा को हमने कोस 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया, तो यहां रिजल्ट अप्लाई करो आप कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, तो एक्स एम एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस और वाई। अब वाई की वैल्यू रखोगे पाई बाई टू माइनस एन एक्स। ठीक है, तो ये आएगा एम एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, और ये हो गया आपका माइनस प्लस एन एक्स। प्लस माइनस माइनस प्लस एक ही बात है बेटा, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ आप तो ये आपका आएगा एम एक्स प्लस माइनस लेफ्ट साइड एन एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू। यहां से एक्स कॉमन आएगा आपके पास एम प्लस माइनस एन इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, एम प्लस एन नीचे आ जाएगा तो एक्स की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू अपॉन एम प्लस माइनस एन, ये आपका आंसर आएगा बेटा। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका कोस साइन थ्री एक्स प्लस कोस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। थर्ड पार्ट है आपका साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स प्लस कोस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो है। यहां आप लिखो कि साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस टू एक्स। अब माइनस कोस थीटा, अगर हम इसको लिखते हैं साइन नाइनटी प्लस थीटा तो साइन नाइनटी प्लस सेकेंड में जाएगा और 90 प्लस सेकंड में गए, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये साइन आप इसको क्या लिखोगे बेटा साइन में चेंज कर लो या फिर आप ये करो इसको ऐसे करो, आप इसको ऐसे कर लो कोस टू एक्स की वैल्यू लेके चलो तो कोस टू एक्स आपके पास आएगा माइनस साइन थ्री एक्स। ठीक है, आप इस साइन को कोस में चेंज कर लेते हैं तो कोस 90 प्लस एक्स देखो क्या बन जाएगा कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में गया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और 90 पे चेंज हो जाता है साइन थीटा। बिल्कुल ठीक है, तो यहां हम साइन थीटा को क्या लिख देंगे कोस 90 प्लस थीटा लिख देंगे, तो आएगा कोस 2x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को हमने लिख दिया कोस 90 और प्लस थीटा
थीटा कितना था आपका 3x था बेटा। ठीक है, अब आप फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे cos x is equal to cos y, ये आपका x रहेगा और ये आपका y रहेगा, तो cos x is equal to cos y अप्लाई करो तो x is equal to 2n pi plus minus y, y की वैल्यू pi by 2 plus 3x। अब आप इस 3x को लेफ्ट साइड ले जाओगे बेटा, वही प्लस माइनस और x कॉमन ले लोगे, वो नीचे आ जाएगा, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है साइन एम एक्स इज इक्वल टू साइन एम एक्स, फोर्थ पार्ट आपका है साइन एम एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स। तो यहां बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, ये x हो गया ये y हो गया, तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n और y। अब देखो y में भी यहाँ एन एक्स आ रहा है बेटा, आ रहे ना y में, तो यहाँ आप n पाई की जगह यहाँ कर दो आप p पाई और प्लस माइनस वन की पावर p कर दिया बेटा। देखो रिजल्ट तो ये होता था साइन x बराबर साइन y होता है, तब होता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू y, यानी ये जो कॉन्स्टेंट था ये आपका n लिया था आपने, लेकिन जब n इसमें कोई टर्म में ही n आ गया तो बेटा इस कॉन्स्टेंट को मैंने चेंज कर दिया, इस n की जगह मैंने क्या लिख दिया p लिख दिया, तो ये p पाई कर दिया और माइनस वन की पावर p और y, y की वैल्यू क्या है nx। ठीक है, अब आप इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाओ तो यह आपका आएगा mx, ये टर्म लेफ्ट साइड से माइनस माइनस वन की पावर p nx इज इक्वल टू p पाई, x कॉमन ले लिया यहां से m माइनस माइनस वन की पावर p इंटू एन बराबर p पाई, ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी p पाई अपॉन m माइनस माइनस वन की पावर p इंटू एन, ये आपका आंसर आ जाएगा।